अजीत जी, ये क्वेश्चन आकाश जी का है, झारखंड से. एंड ही इज सेइंग कि आज की डेट में पॉलिटिकल पार्टी में प्राइवेट कंपनीज का माहौल है, जहां टॉप लीडरशिप की हाँ में हाँ मिलाना, अच्छे पोस्ट और अप्रिसिएशन मिलता है. स्वराज अभियान इसके लिए क्या करेगा कि ये ग्रुपिज्म वाला कल्चर खत्म हो सके? दो सवाल है जहां तक मैं सुन पाया हूं। एक तो ये कि लीडर की हाँ में हाँ मिलाना और दूसरा ग्रुपिज्म। स्वराज अभियान इस बात के लिए बहुत कोशिश कर रहा है कि पर्सनैलिटी कल्ट और सुप्रीमो कल्चर वो स्वराज अभियान में ना आए, क्योंकि ये बिल्कुल अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स से उल्टी बात है। और अनफॉर्चुनेटली इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ एक्सेप्शंस को अगर छोड़ दें, कुछ जगह इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है लीडरशिप का कंट्रोल और कुछ जगह वो बिल्कुल एक पर्सनैलिटी कल्ट की तरह है। मैं नाम लेके नहीं कहना चाहता हूं, पर कई सारी पार्टियां ऐसी है जो डायनेस्टिक हैं बेसिकली। उसमें केवल एक पार्टी कांग्रेस पार्टी ही नहीं है, ज्यादातर पार्टियां हैं। और जो मेन अपोजिशंस हैं आज और रूलिंग पार्टी है, वो भी एक फोटो के सहारे इलेक्शन लड़ने की कोशिश करते हैं। कुछ पार्टियों ने तो अपने झंडे पर भी अपने लीडर की फोटो लगाई है। अब जो पार्टीज इस किस्म के पर्सनैलिटी कल्ट को प्रमोट करेंगी, वहां पर तो पर्सनैलिटी कल्ट होगा ही, उससे बचा नहीं जा सकता है। आपके थ्रू मैं ये बताना चाहूंगा कि स्वराज अभियान में हमने तय किया है कि हमारे पर्चे पोस्टर वगैरह पर किसी भी प्रचार सामग्री में हमारे किसी पदाधिकारी का, नेता का फोटो नहीं होगा। इसके बारे में काफी हमारे अंदर डिस्कशन हुआ है। ग्राउंड से बहुत जगह से ये खबर भी आई है कि कुछ एक आदमी का नहीं, पर दो आदमी का, तीन आदमी का, चार आदमी का आप फोटो लगाएं, उससे थोड़ा सा कम्युनिकेट करने में आसानी होती है। फिर भी स्वराज अभियान ने बिल्कुल फर्मली और फाइनली ये तय किया है कि हम किसी भी लीडर के फोटोग्राफ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये एक बात है। दूसरी बात, जो कई सारे सवाल आ रहे होंगे, आई कैन प्रिज्यूम एंड आई कैन गेस, इसलिए उसके बारे में भी मैं अभी से कुछ बातें बता देना चाहता हूं। स्ट्रॉन्ग, जब हम कहते हैं कि देश में लोकतंत्र होना चाहिए और पार्टिसिपेटरी लोकतंत्र होना चाहिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी जहां तक हो सके होना चाहिए, तो फिर जो पार्टी हैं और संगठन हैं उनके अंदर भी इंटरनल डेमोक्रेसी होना चाहिए, उनके अंदर भी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। और स्वराज अभियान इसके लिए कई तरह के इंस्टीट्यूशनल स्टेप्स ले रहा है। थैंक यू अजीत जी, दैट इज रियली एनकरेजिंग कि ये एक मूवमेंट होते हुए लार्ज स्केल पे, जैसे हमने कुछ मूवमेंट्स के बारे में क्वेश्चंस हैं तो आप शायद बताएंगे हमें, मगर व्यूअर्स और मुझे ये जान के बहुत खुशी हो रही है कि स्वराज अभियान हैज एक्चुअली टेकन अ फॉर्मल डिसीजन टू नॉट यूज एनी काइंड ऑफ इमेजेस ऑफ लीडर्स और एनी फेसेस इन स्वराज अभियान, सो दैट वी स्टिक टू द एक्चुअल मोटिव ऑफ द स्वराज अभियान एंड नॉट टू पीपल एंड नॉट ग्लोरीफाई देम।